हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष राय और आप सबका स्वागत है इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑन आयस कर्व। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर इसमें प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, तो मैंने सोचा चलो इसी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो आईएस कर्व आप देख सकते हैं कि आईएस का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, इसको गुड्स मार्केट भी बोला जाता है। याद रखना यहां तीन वेरिएबल्स के बीच में हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़े से समय के बाद। तो ये जो मॉडल है इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन हिक्स इन 1937 और इन्हीं के काम को आगे बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है बाय एल्विन हैंसन ने। अब आईएस कर्व के किसी भी पॉइंट पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे होगा जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। तो यहां बोला जाता है कि एनी पॉइंट ऑन द आईएस कर्व implies goods or product market equilibrium because at each point I, that is investment, is equal to desired savings. तो यहां बोला जा रहा है कि desired savings is equal to your investment. दोनों equal होंगे तभी हम लोगों को equilibrium मिलेगा in national income. तो बोला जा रहा है कि desired savings must be equal to desired investment, which is the equilibrium condition of national income. अब दोस्तों, investment और saving curve में there are two variables, rate of interest है और investments है, that is income है. अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि there is inverse relation between these two. In investment saving curve, interest rate is the independent variable. ये हरफन मौला है, ये अपने हिसाब से चलेगा, it will work on its own will. बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड लेवल ऑफ इनकम इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपका इनकम डिपेंडेंट है। तो जिस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही आप लोगों का इनकम चेंज होगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनकम बढ़ेगा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल डायग्राम। आप देख सकते हैं x एक्सिस पे रियल इनकम है, y एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है। जब हमारा इंटरेस्ट रेट r है, or is our interest rate, उस टाइम पे हमारा इनकम है oy। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है फ्रॉम or टू or one, हम लोगों का इनकम बढ़ जा रहा है फ्रॉम oy टू or one। यहां आप देख सकते हो इनवर्स रिलेशन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हमारा रियल इनकम बढ़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है फ्रॉम ओआर टू ओआर वन और इनकम बढ़ रहा है फ्रॉम ओ वाई टू ओ वाई वन। जब ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है आईएस कर्व। तो आईएस कर्व हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रियल इनकम। तो हमारा आईएस कर्व आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये मेन डायग्राम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये जानने के लिए कि आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। तो आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारा रियल इनकम बढ़ेगा, इसी वजह से हमारा आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द आईएस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल्स, इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीजेस। याद रखना इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बट नेचुरल इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट या गुड्स मार्केट भी बढ़ेगा। तो वो यहां पर रिलेशन है, व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज कॉजेज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन कंजम्पशन, सो नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट राइजेस। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि दो या तीन चीजों के बीच में रिलेशन है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एग्रीगेट डिमांड है, दैट इज गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम। तो द आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम, दैट इज वाई एंड सच दैट द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इन इक्विलिब्रियम। अब यहां पे आपको दो चीजें देखना है, दो चीजों के बीच में रिलेशन है, इनकम दैट इज वाई एंड रियल इंटरेस्ट रेट दैट इज आर। दैट इज एवरी पॉइंट ऑन द आईएस कर्व इज एन इनकम और रियल इंटरेस्ट पेयर, मतलब इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेयर है, सच दैट द डिमांड फॉर गुड्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड्स। हेंस डिजायर्ड नेशनल सेविंग
इज इक्वल टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट. तो डिजायर्ड सेविंग्स मस्ट बी इक्वल टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट. यहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम में आएंगे. याद रखिएगा यहां पे जो बेसिक डायग्राम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, पैनल ए और पैनल बी है. यहां तीन कंसेप्ट्स, तीन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है. पैनल ए में आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे रियल इनकम है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड है. पैनल बी में आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे रियल इनकम है और वाई, दैट इज पैनल बी में, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है. तो यहां आप देख सकते हैं तीन वेरिएबल्स है. मैं आपको तीनों वेरिएबल्स डायग्राम शुरू करने के पहले बता देता हूं. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपका इनकम बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. इसी को आसान भाषा में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आप देख सकते हो आई एस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले डायग्राम में. यहां पे जो पैनल ए का डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो एक 45 डिग्री लाइन है जिसको हम लोग बोलेंगे कि इनकम विल बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम यहां पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन बता रहे हैं पैनल ए में. चलिए अब हम तीनों वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे कि तीनों वेरिएबल्स एक दूसरे को कैसे साइमल्टेनियसली अफेक्ट कर रहे हैं, जो आई एस कर्व का बेस है. तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई वन, आपका इनकम है वाई वन. इसी लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे पैनल ए में. पैनल ए में आप देख सकते हो हम लोगों को नया इक्विलिब्रियम मिला है, दैट इज ईवन. ईवन पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इज एडी1. तो तीन वेरिएबल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड हमने देखा. अब ये तीनों चेंज होंगे तो क्या होगा. अब आप देख सकते हो जैसे मैंने पहले बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा फ्रॉम आई1 टू आई2. इसका असर इनकम पे क्या हो रहा है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वैसे ही हमारा इनकम बढ़ रहा है फ्रॉम Y1 टू Y2. इसी लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं इन पैनल ए तो आप देख सकते हो नया इक्विलिब्रियम मिला, दैट इज E2. और एग्रीगेट डिमांड विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम AD1 टू AD2. तो ये पूरा डायग्राम अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पैनल बी एंड एंडिंग ऑन पैनल ए. तो पैनल बी में आप देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पैनल बी में इंटरेस्ट रेट I1 था, हमारा इनकम Y1 था. इसको जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि हमको तीन वेरिएबल्स बताने हैं, एक ही डायग्राम में तीन वेरिएबल्स बताना पॉसिबल नहीं है. तो जब हम पैनल ए में जाते हैं हमको नया इक्विलिब्रियम मिलता है E1, जहां पे एग्रीगेट डिमांड है AD1. दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन. अब हमको चेंजेस बताना है. जैसे ही आप देखते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है फ्रॉम I1 टू I2, हमारा इनकम बढ़ रहा है फ्रॉम Y1 टू Y2. जैसे ही हमारा इनकम बढ़ेगा हम इसको एक्सटेंड करेंगे एग्रीगेट डिमांड दिखाने के लिए इन पैनल ए. और पैनल ए पे आप देख सकते हो नया इक्विलिब्रियम मिलता है E2 पे और हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है फ्रॉम AD1 टू AD2. तो तीन वेरिएबल्स, तीनों वेरिएबल्स का असर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से हमारी इनकम बढ़ रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. ये आईएस कर्व है, दैट इज गुड्स मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट. अब हम इसमें देखेंगे शिफ्ट इन आईएस कर्व. अब आईएस कर्व कब शिफ्ट होता है, याद रखिएगा आईएस कर्व शिफ्ट होता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दैट इज ऑटोनोमस स्पेंडिंग. गवर्नमेंट जितना ज्यादा खर्चा करेगी इकोनॉमी में लोगों के पास उतनी ही ज्यादा इनकम सोर्स बढ़ेंगे. अब लोगों के पास जैसे ही इनकम सोर्स बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा और हमारा आईएस कर्व शिफ्ट होगा. तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे जो डायग्राम है इट इज रियल इनकम, वाई एक्सिस पे है इंटरेस्ट रेट. द इनिशियल आईएस कर्व इज ISO, इनिशियल जो बीच वाली लाइन है ISO, ये हमारा इनिशियल आईएस कर्व है. If there is an increase in autonomous spending मतलब government spending अगर बढ़ रहा है तो IS curve will shift towards right from ISO to IS1. ठीक है? This means that for each level of interest rate a high real income is consistent with equilibrium in the goods market. Conversely, अगर हम लोग उल्टा करते हैं, इफ देयर इज अ फॉल इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाती है तो हमारा आईएस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज फ्रॉम आईएसओ टू आईएस2. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है तो हम लोग का आईएस कर्व शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, दैट इज फ्रॉम आईएसओ टू आईएस1. अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है तो हमारा आईएस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट.
तो दोस्तों ये था आईएस कर्व, डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व जो मैं आप लोगों के लिए लाया था। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है कंसेप्ट, तो प्लीज आप हमें लिख सकते हैं @economicsofeconomics@gmail.com। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को, और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि अगले वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।